हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगेन आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, डिफरेंट तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो मुझे अपना ग्रोसरी शॉपिंग और भी शेयर करना चाहिए। और ये जो ग्रोसरी है ये मैंने ग्रोफर से परचेज की है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मैंने ग्रोफर से ऑरेंज सेल जो चल रही है ग्रोफर की, उस टाइम पीरियड में परचेज करी है। तो सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिले हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैं नॉर्मली भी ग्रोफर से ही शॉपिंग करती हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ, लाने ले जाने का चक्कर नहीं रहता कि पिक करने, मतलब लेने जाओ फिर लेकर आओ। तो पहले मैं जाती थी तो मतलब पूरा दिन लाइक ख़राब हो जाता था, जाते थे सब कुछ पिक करते थे फिर उसको कार में लो लेके आओ। बस इसी चक्कर की वजह से मैं अराउंड 2 ईयर्स से ग्रोफर से शॉपिंग कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के सामने साथ शेयर करना चाहिए कि चीज़ें मुझे कितने चीप और बेस्ट प्राइस में मिली है, और कितना कन्वीनियंट होता है कि घर बैठकर आप इजीली अगर मतलब लाइक जस्ट ऑर्डर किया और सामान आ जाता है तो हमें एक पेन नहीं लेना पड़ता। अब जैसे हम पहले जाते थे तो हमें हमेशा रहता था, क्योंकि मुझे मॉल से शॉपिंग करना ग्रॉसरी का ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे ये होता है हम सारी चीज़ों को अपने आप देख कर सेलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अगर हम राशन वाली शॉप पर जाते हैं तो हम बस लिस्ट दे देते हैं और हमें पता नहीं रहता कि वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। कई बार ऐसा होता है हम 4 वेराइटी की चीज़ें देते हैं तो उसमें से हम अपने लिए कुछ बेस्ट पसंद कर सकते हैं। मेरा रीज़न यही था। और इससे कि हम पहले डिसाइड करते थे फिर जाते थे तो पूरा दिन लाइक ख़राब हो जाता था हमारा, बट इसमें नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों में से अपना सामान भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके अंदर मेरा ऑयल नहीं है, घी नहीं है, आटा नहीं है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट मुझे ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने जो मैं अब आपको दिखाती हूँ एक एक पैकेट खोल के, सबसे पहले तो उसकी पैकेजिंग देख लीजिए आप, इस टाइप के पैकेट में पैक होकर आता है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम पैकेजिंग में आए हैं सारे पैकेट्स, ये 4 पैकेट्स हैं। और इसके अंदर मोस्ट ऑफ दी जो सामान है वो, अब एक एक पैकेट को मैं खोल लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बात करेंगे इनकी क्वालिटी की। और बहुत सारा सामान जो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हैं वो रिदम की पसंद की हैं, क्योंकि स्नैक्स वगैरह ज़्यादा ऑर्डर होता है मेरे यहाँ पर। इवन नहीं लगता तो दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने घी तेल ऑलरेडी मंगवा लिया था। तो सबसे पहले हैं कुछ लेस के पैकेट, ये है पीनट, और ये है ग्रोफर की, जो ग्रोफर का अपना ब्रांड है वो हैप्पी डे है, और इसका सामान भी बहुत अच्छा निकलता है। अगेन ये एक मिक्सचर है जो कि हैप्पी डे का है, ये बहुत अच्छा है। फिर है ये हैंड वॉश जो अगेन अपने ग्रोफर के खुद के ब्रांड का है, और ये मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, मैं इससे कंफर्टेबल हूँ और प्राइस में भी ये बहुत लेस है और बहुत अच्छा है। और फैमिली फार्म की ये दाल है, और देखिए आपकी अगर आप दालों की क्वालिटी देखेंगे एकदम साफ, मतलब जैसा कि मैंने बहुत बार देखा है। और मैं मोटे मोटे उसमें आपको बता देती हूँ कि चीज़ का तो मैं प्राइस नहीं बता पाऊँगी, जो नॉर्मल आउटलेट से आप लोग खुले में दाल लेते हैं ना वो एग्जैक्टली ये पैकेट में सेम प्राइस में मिलती है। अगर आप किसी आउटलेट में जाएं, खुली दालों के प्राइस अलग होते हैं, पैकेट्स के अलग होते हैं, लेकिन ये जो दालें होती हैं पैकेट्स में हैं, लेकिन ये प्राइस बिल्कुल उन्हीं दालों में होता है जो वहाँ पर खुले में मिलती हैं। बट एकदम नीट एंड क्लीन, इनको इतना ज़्यादा हमें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं जितना भी सामान मंगवाती हूँ वो मदर्स चॉइस का, ग्रोफर्स मदर्स चॉइस, जी मदर्स चॉइस, ये अपना ग्रोफर का अपना ब्रांड है। और ये है किशमिश 1/2 kg, ये भी हैप्पी डे स्नैक्स में है, और बाकी उसमें है जी मदर्स चॉइस। फैमिली फार्म की है ये अगेन दाल, चने की दाल, और इसका भी प्राइस काफ़ी लेस, आई थिंक ये 60-65 की 1 kg है दाल। ये है काजू टुकड़ा, ये भी जी मदर्स चॉइस के हैं,
और ये है एक छोटू पैकेट बादाम गिरी, और आप देख सकते हैं इनका साइज, लास्ट टाइम मैंने हाफ के जी बादाम मंगवाए थे उनका साइज इतना छोटा था, बट ये फैमिली फार्म के बादाम देखो इनका ब्रावो साइज कितना बड़ा है। फिर है ये फैमिली फार्म की ही दाल, अरहर की दाल, और ये जितनी भी जो फैमिली फार्म की दाल होती है ये ऑर्गेनिक होती है, हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, अनपॉलिश्ड होती है, तो मैं इसीलिए ये इन्हें प्रेफर करती हूँ। वैसे ग्रोफर की भी मंगा लेती हूँ, जो मुझे कन्वीनियंटली मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, मैं वही ऑर्डर कर देती हूँ। मेरा कुछ ऐसा स्पेशल कोई ब्रांड नहीं है कि यही करना है। कैचअप फिर मैंने मंगवाई है हैप्पी डे की, और अच्छी लगती है मुझे ये कैचअप। दूसरी चीज़, वैसे सीरियसली बताऊँ ना, मुझे कैचअप बहुत कम पसंद है, मैं नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ, इसीलिए हंस के बोल रहे खाती तो हो नहीं तुम कैचअप, तुम्हें कैसे पता अच्छी होती है। ये है सूजी जी मदर्स चॉइस की, पोहे के हैं 2 पैकेट, क्योंकि रिदम को पोहा बहुत पसंद है, पोहे बिना वो नहीं रहता। और ये है मसूर की दाल, ये मैंने मंगवाई है 1/2 किलो, क्योंकि मसूर की दाल इतनी ज़्यादा नहीं लगती, बाकी तीनों दालें 1 किलो मंगवाई हैं, और ये है 1/2 किलो। अगेन स्नैक्स में ये है क्रिस्पी टेस्टी भुजिया सेव, और ये 2 बिस्किट के पैकेट। नेक्स्ट पैकेट खोलते हैं, अब हम खोलते हैं अपना सेकेंड पैकेट, और आप देखते रहना मेरी पसंद की तो बहुत कम चीज़ें निकलने वाली है। सारा ऑर्डर ना ये रिदम की पसंद से होता है, उसको स्नैक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं रोज़ उसको बाहर से कुछ चॉकलेट वॉकलेट भी नहीं दिलाती, बहुत कम दिलाती हूँ, क्योंकि चॉकलेट इतनी ज़्यादा कोई वो भी नहीं होती, दांत भी ख़राब करती है। ये हैं उसके जी प्लस के चौकोस, और ये वाले जो चौकोस हैं ना, ये चॉकलेट और ये दूसरा वाला कौन सा फ्लेवर होता है, वेनीला, चॉकलेट और वेनीला दोनों होते हैं, और इसके मंगवाए हैं हम लोग ने 2 पैकेट, क्योंकि जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो रिदम को हम यही देते हैं, क्योंकि सुबह जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल जाने से पहले देते थे, और अब वो स्कूल नहीं जाता लेकिन उसकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी होती हैं, तो इस वजह से भी मैं सुबह ब्रेकफास्ट में उसको यही देती हूँ। फिर है ये अगेन लेस के पैकेट, वो यहाँ से कहाँ गया, अगेन लेस के 2 पैकेट, ये वाले लेस मुझे बहुत पसंद है। फिर आ गए हैं मैड एंगल्स का पैकेट, पिकनिक का पैकेट, मेरे यहाँ बस यही यही चलता है। इस वाले पैकेट में बस इतना ही सामान था, अब हम खोल लेते हैं अपना नेक्स्ट पैकेट। अब दिखाती हूँ इसमें क्या है। ये है एक मखानों का पैकेट, ये मखाने ना मैं घी में ड्राई फ्रूट के साथ फ्राई करके रख देती हूँ, फिर कभी भी हल्का हल्का खा ले रिदम स्नैक्स की तरह। ये है बेसन फार्म, अब दिखाती हूँ नेक्स्ट जो पैकेट खोला था, इसमें ये 1/2 kg मैदा है, मैदा जस्ट इतनी बनाती हूँ। वैसे आपको बताऊँ मेरे घर में मैदा बहुत बहुत ही कम लगती है, मुझे लगता है इसमें से भी बच ही जाना है। मैगी, राजमा, फैमिली फार्म के राजमा 1 kg, 1 kg काले चने, जो कि हम नॉर्मली भी सोख करके रख देते हैं और उनको सूखे बनाकर ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो ये भी 1 kg। सॉल्ट, वन के जी टाइड, टाइड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, मैंने वहाँ से भी मंगवाया था। ये कुछ बिस्किट्स के पैकेट, पैकेट खुलने जा रहा है, और धीरे धीरे पता है मैं लगाती भी जा रही हूँ नाश्ता वगैरह ना, और काफ़ी सारा नाश्ता ना मैं उठाकर अलग से भी रख देती हूँ, क्योंकि उसको दिखता रहता है ना तो लगा रहता है। चले फिर, ये क्या है, अच्छा ये गोदरेज एयर का रूम फ्रेशनर, ये हम लोग 2-3 महीने में एक बार ऑर्डर कर देते हैं, ये हमारा शायद 2-3 महीने चल जाता है ना, ये 2-3 महीने चल जाता है, और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, हर बार इसकी अलग फ्रेग्रेंस हम लोग यूज करते हैं गोदरेज एयर का। और ये कुछ डियो है जो मेरे नहीं है,
ये भी ऑरेंज के हैं, ऑरेंज के डियो सीरियसली अगर आपने कभी यूज़ नहीं करे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है और डियो बहुत अच्छे हैं। देखो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, आई थिंक अभी तक का आई थिंक बेस्ट है ये। और ये ओट्स, ये सतीश के लिए है। आपका पीनट बटर ऑर्डर नहीं किया था इस बार? नहीं, मेंथॉल ऑयल मैंने तो नहीं करा, ये वो है ना, ये तो शॉवर जेल। अच्छा ठीक है, ये है ओट्स का पैकेट। और आपको पता है ये ओट्स मार्केट से मैं 185 के लाई थी और मुझे यहाँ पे 130 या 140 में पड़ेगा, बहुत सस्ते। अभी अभी एक पैकेट मेरा खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन जब मैंने ये देखा ना इतने कम प्राइस में तो मैंने एकदम से ऑर्डर कर दिया। फिर ये है मैक्रोनी का पैकेट, ये हाफ के जी के अंदर है आई थिंक। जी हैप्पी डे की मेयोनीज जो मेरे यहाँ बहुत लगती है। ये टू है डिश वॉशर लिक्विड, ये भी ग्रोफर के ही है। जितना भी वैसा सामान है ना उसका। फिर टू है ये शावर जेल, ये ऑरेंज के हैं और समर के अंदर हम लोग शावर जेल यूज करते हैं क्योंकि शावर में नहाते हैं। और ये टाटा टी की टी है। फिर अगेन जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर। मसाले मैंने नहीं करे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पूरा बंच मंगवा लिया था मसालों का। छोटू सा लाल मिर्च पाउडर, और ये मैं सूखी घर में पीसती हूँ इस वजह से नहीं मंगाती। ये है ऑरेंज के, मुझे बहुत पसंद है क्रंची। काफी सारा सामान रह गया आशिते, चेक करो। अरे नहीं, लेकिन मैंने रिदम का नहीं मंगवाया था। ये है रिदम का फूट और ट्रोल ऑन, ये क्योंकि रिदम को बहुत ज्यादा मॉस्किटो बाइट होती है तो ये उसके लिए मंगवाया था। केक अगेन, बहुत सारे बिस्किट। लास्ट सब कुछ खत्म। तो ये हो गया मेरा ग्रोफर शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग हॉल वीडियो। और आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और प्लीज ये मत बोलना कि अभी तो मैं यही सोच रही थी कि कहीं कमेंट ना आए क्या बस तुम स्नैक्स ही खाती हो, ऐसा नहीं है। अब जैसे जो चीज़ मैंने अब मंगा ली, अगर ये बच गई तो मैं नेक्स्ट ऑर्डर में इसको ऑर्डर प्लेस नहीं करूँगी। बहुत सारी दालें ऐसी हैं जो लास्ट टाइम मैंने छोले बहुत ज़्यादा मंगवा लिए थे, वो यूज़ नहीं हो पाए छोले, इसलिए मैंने इस वाले उसमें ऑर्डर में नहीं करे। और देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या करती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताओ कि आपको मैं आप मेरी किस टाइप की वीडियोस को देखना चाहते हैं।